गुड़िया रानी को अभी भाईखुला जेल में 3 ही दिन हुए और ये 3 दिन उनके लिए सालों के बराबर हैं। रिया के वकील ने रिया की जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कल सुनवाई हुई। वकील ने रिया की बेल के लिए कई मुद्दे रखे, लेकिन जज ने कोई नहीं माने और लिहाजा रिया की जमानत रद्द कर दी गई। जज ने उन्हें फिलहाल इन 14 दिन तक तो जेल में ही रहने को बोला, उसके बाद फिर फैसला होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिया के वकील ने रिया के लिए जो बातें बताई वो तो सुनिए। वकील की बातें सुनकर लोग सच में घबरा भी गए थे। रिया के वकील ने कहा था कि रिया अभी गुड़िया है, 28 साल की है। 28 साल की लड़की के लिए जेल ठीक नहीं है और इस वक्त तो खतरनाक बीमारी में रिया को जेल में रखना ठीक नहीं होगा। वकील ने ये तक कहा कि उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उसे घर में रहना चाहिए। वकील की ये बातें सुनकर लोग हंसने लगे, क्योंकि 28 साल की गुड़िया रग जैसे काम कर सकती है लेकिन जेल में नहीं रह सकती है। वकील की किसी भी बात को जज ने नहीं माना और उन्हें जेल में रहने को बोला। वही एनसीबी का भी कहना है कि रिया को अगर घर भेज दिया गया तो बाकी लोगों के पन्ने नहीं खुल पाएंगे, रिया उन्हें भगा सकती है। एनसीबी का कहना है कि अभी इस काम में रिया के साथ और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें बाहर लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ 14 दिन के लिए रिया को कस्टडी में रखना बहुत जरूरी है। मतलब एनसीबी अभी शांत नहीं बैठी है और वो अभी लोगों को ढूंढ निकालेगी। लेकिन एनसीबी को डर है कि रिया कहीं उन लोगों को सतर्क ना कर दे। वही रिया के साथ शोभिक जैन, वासित मिराना की भी जमानत रद्द हो गई है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।